हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट, क्रिस्टा आईवीएफ, लखनऊ ब्रांच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या सिर्फ महिला जिम्मेवार है बांझपन के लिए? इस द इनफर्टिलिटी इज ए फीमेल इशू। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इनफर्टिलिटी के कपल होते हैं उसमें 1/3 केसेस में फीमेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 1/3 केसेस में मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बाकी के जो 1/3 होते हैं उसमें मेल एंड फीमेल बोथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर वो अनएक्सप्लेन्ड होता है। क्या और कारण है इनफर्टिलिटी के? अगर हम महिलाओं को छोड़ दें कि महिलाओं में 1/3 का कॉज है, तो बाकी जो 2/3 कॉजेज है क्या होते हैं वो? सो फर्स्ट कंसंट्रेट करते हैं मेल्स में। मेल्स में कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक फर्स्ट दे हैव द इजेकुलेटरी फंक्शन, जहाँ पे उनको इरेक्शंस में या इजेकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, ये पेशेंट्स भी इजिली कंसीव नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, उनके स्पर्म की एबनॉर्मलिटी होना, लाइक स्पर्म्स में भी एबनॉर्मल, समटाइम्स उनकी मोटिलिटी नहीं होती है, काउंट कम होता है, मॉर्फोलॉजी पुअर होता है, या समटाइम्स स्पर्म्स काफ़ी थिक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाईली विस्कस स्पर्म्स, ये स्पर्म्स ऑल्सो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं जो फीमेल फैक्टर्स है। नेक्स्ट होता है आपका स्पर्म्स का शून्य होना, कई बार स्पर्म्स होते ही नहीं है, ये तो पेशेंट जो कि कीमोथेरेपी लिए होते हैं, रेडियोथेरेपी लिए हैं, या कोई इन्फेक्शन हुआ है, उनके स्पर्म्स शून्य होते हैं, या फिर पेशेंट्स हस्बैंड जो कुछ मेडिकेशंस पे होते हैं, लाइक समटाइम्स एनाबॉलिक ड्रग्स, आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो, जिमिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये पेशेंट्स भी जो हैं उनमें स्पर्म्स कम हो जाता है, एंड दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मेल के अलावा और क्या कारण है? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल का रहन सहन है, आपका लाइफ स्टाइल। अब क्या किस तरह की लाइफ हम लोग आजकल जी रहे हैं, लाइक जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंट्री लाइफ, ये इसके लिए दोनों फैक्टर जिम्मेवार है, चाहे मेल हो या फीमेल। सेकेंड होता है ओबेसिटी का होना, अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओबेसिटी इज इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर। अगर आइदर हस्बैंड ओबेज है या फिर फीमेल ओबेज है, ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है आपके इन्फर्टाइल होने का। थर्ड, स्मोकिंग भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, इवन इन मेल और फीमेल। मेल के क्या होता है, कई बार आपके स्पर्म्स नॉर्मल आता है, बट जो मेल बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, उनके जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन होते हैं, जो स्पर्म्स के अंदर जो डीएनए होता है वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड होता है, और इन स्पर्म्स से भी प्रेगनेंसी नहीं आती है, इवन आपकी काउंट, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है। नेक्स्ट, व्हाट आर द अदर फैक्टर? सो आज का जो हमारा एनवायरनमेंट है, इट इज़ हाईली पोल्यूटेड। ये पॉल्यूशंस, इसमें जो पॉल्यूटेंट होते हैं, ये भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है इनफर्टिलिटी होने का। नेक्स्ट, आजकल हम डिलेड मैरिज करते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट 35 के बाद मैरिज होते हैं, अपने आप में एक एज इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फैक्टर, इवन आपका सब कुछ नॉर्मल है, बट एज इज इंडिपेंडेंट फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी। सो आई होप इस वीडियो में आपने ये समझा होगा कि सिर्फ फीमेल फैक्टर नहीं है, मेल और इन्वायरमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आप कुछ भी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो आप क्रिस्टा आईवीएफ से संपर्क कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मुफ्त परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए।